तो अब तक आपने देखा कि कैसे दुर्गा और आसिफ उर्फ जय थोड़ा सा रोमांस के कुछ पल बिताने के लिए एक खेत में पहुंच जाते हैं, लेकिन खेत में जाते ही वो देखते हैं कि वहां पर जो एक सीक्रेट जगह थी वहां पर कुछ पहले से ही लोग बैठे हुए थे, और वहां पर जैसे ही वो घुसते हैं तो तुरंत वो पकड़े जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या ये लोग रोमांटिक के कुछ पल बिता सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि दोनों के बीच में जो शराब की रेस चल रही थी, तभी हम देखते हैं कि वो एक पीता चला जाता है, यानी कि आसिफ पीता ही चला जाता है, और देखते हैं कि वो दूसरा वाला जो सिंह परिवार का एक सदस्य था वो वहीं टपक जाता है, यानी कि उसको इतनी चढ़ जाती है कि वो वहीं टपक जाता है। और वो तो एक उसमें से बोलता है, अरे इसका तो फटके फ्लावर हो गया। तभी उनमें से एक बोलता है, तुम तो बड़े हैवी पियक्कड़ हो भाई, ढेर पसली शरीर में इतना सारा दारू कैसे घुसा लिया। अभी सब बाहर निकल जाएगा। मूत्र विसर्जन प्रतियोगिता। तभी हम देखते हैं, अरे अकेले हम भी चलूंगा। अब सामूहिक मूत्र विसर्जन करना है क्या? मूत्र विसर्जन प्रतियोगिता समझो इसको, असंभव को संभव बनाना आसिफ मतलब मेरा जय का पेशा है, जिसमें हमको हराना असंभव है। इसे बोलते हैं सुकून। अरे इसकी माँ का। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दुर्गा अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगा रही है, और वो बोलती है, दुर्गा बहुत बढ़िया मेहंदी बनाती हो तुम, बस हो ही गया। तभी दुर्गा कहती है, धन्यवाद, पता नहीं मेरी शादी में कौन लगाएगा मुझे, जो भी बनाएगा बहुत खूबसूरत बनाएगा, बिल्कुल तेरी तरह। वो कहते हैं ना, प्रेम मेहंदी का सुंदरता बढ़ता है ना कि कला। और तू हमारी प्यारी भाग्यशाली बहना, तू तो अपने प्रेम से ही शादी करने जा रही है, कुछ भी उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची है, बाबा उससे कहाँ, बाबा तो उसके। तभी वो कहती है, अरे बाबा तो कब से वो पतलू को अपना दामाद मान चुके हैं, हमसे हमने सब सुन लिया था। सच्ची? हे राम, नहीं का क्या क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या? अरे बाबा जी, बड़ी गलत फहमी हुई है, समझाने दीजिए, अपने खतरा हुए औजार का क्या कोई सफाई देगा तू, साला लव जिहादी मुल्ला कहीं का। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है, अरे मुझे इन्फेक्शन की वजह से उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा था, बैल बुद्धि कहीं के, यकीन नहीं होता तो इतनी सी बात के लिए तूने मुझे कुत्ते की तरह मारा। आप तो समझदार हैं ठाकुर साहब, आप इन ना समझो को समझाइए ना प्लीज। तभी हम देखते हैं कि वो बाबा ने एक ऐसा थापड़ मारा कि वो वहां से नीचे गिर जाता है। तभी गुड्डी वहां से दौड़ती हुई आती है, बोलती है, पापा। तभी दुर्गा वहां से भागती हुई आती है और बोलता है, तू बीच में ना पड़। तभी आसिफ को गले बांध पकड़कर वो बाबा बोलता है, हमको बकलोल समझाए का है? हमारा चेलों ने जैसलमेर में सब पता लगा लिया, उन्होंने असली जयसिंह राठौर का कुंडली निकाल लिया, और तेरी शक्ल उसके फोटो से तनिक भी नहीं मिलती। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि तू कौन है और तू हमारी नातिन के साथ क्या कर रहा है, दिक्कत बस ई बात का है कि तूने यहाँ झूठ की बुनियाद पर आकर हमारे साथ विश्वासघात किया है, और हम इससे कहीं छोटी गलतियों पर आदमी को यमलोक पहुंचा देते हैं। नहीं बाबूजी, आज संध्या की शादी का शुभ दिन है, आज के दिन खून खराबा करके संध्या के सर पर पाप मत डालिएगा, आपसे विनती है। नहीं बाबा, नहीं, आज नहीं, दया कीजिए। तभी बाबा कहते हैं, ठीक बा, कल उतारेंगे इसको मौत के घाट, तहखाने में डाल दो सुअर को। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, एक भूल बा, उसने हमार जान बचाया है, एक बार नहीं कई बार। दुर्गा चुप, चुप कर दुर्गा, फैसला सुनाने से पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए। तभी बाबा कहते हैं, सुनाओ। तभी दुर्गा रोते हुए बोलती है, हम भैरव चाचा के साथ किले में थे और उस रात हम पर हमला हुआ, पर हमलावर आतंकवादी नहीं बल्कि शैतान थे, उन्होंने सारे जवानों को मारकर उनका खून पी डाला, भैरव चाचा और दरोगा जय सिंह उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए, और अब वो राक्षस हमारे पीछे पड़े हैं, वो पिशाच और बेताल हमारी सोच से भी खतरनाक जीव हैं। तभी बाबा कहते हैं, माफ करना बेटिया रानी, पर हम तुमसे एक बेहतर मनगढ़ंत कहानी का उम्मीद किए। माया ज्योति, इसे ऊपर कमरे में बंद कर दो, इसके यार को निपटाने के बाद ही इसको आजाद करें। नहीं, छोड़ दो मुझे कमीनों, छोड़ दो। सायकाल, बिजली की कोठी। तभी हम देखते हैं
हम आ गए हैं लौंडे, हथियार उठा लो। दिनेश यादव ने इतना बड़ा कोठी बिजली के नाम पर कर दिया, लौंडियाबाज हो तो ऐसा। हाँ, दिनेश वा पूरी सेना के साथ यहाँ आया है, याद रहे हमसे सारे जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। तभी हम देखते हैं कि कोठी के अंदर, हवेली के अंदर किसी का धड़ अलग से कटा हुआ रखा है, किसी की गर्दन उड़ी हुई रखी हुई है। तभी वो बोलते हैं, पर गोरखपुर की शान को जीत कर मरना एक गौरवशाली मौत होगा, तो रक्तपात के लिए तैयार हो जाओ। पर भैया जी, इतना सन्नाटा काहे है, तूफान से पहले की शांति, एकदम चुप। देखो दरवाजा खुला रहा है, आने की तकलीफ क्यों की राजा, बिजली खुद ही वक्त पर तुम्हारी महफिल में दस्तक दे देती। तभी वो सब लोगों की आंखें चकित रह जाती हैं। पर दिनेश यादव, उसकी चिंता मत करो, छोड़ दो, बिजली अपने मन की मालकिन है। अब ले चलो शादी में, या नहीं नाचने का मन है? हाँ हाँ, आइए ना। इसी दौरान सिंह हवेली पूरी तरह से सजी हुई थी और सब लोग नाच रहे थे। बारात द्वार पर आ चुकी थी, उसका तिलक हो रहा है और तभी वो कहती है, स्वागत है दरोगा जी। वो दोनों सुबक सुबक कर रो रहे हैं। दुर्गा और गुड्डी को एक कमरे में बंद कर रखा है और आसिफ को एक कमरे में। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ बाबा अपने पुत्र यानी कि दामाद को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव पुत्र। तभी वो बोलती है, ये बहुत दुखद है अम्मा जी, दुर्गा के बिना ये शादी अधूरी सी है। कोई ना बेटा, दुर्गा शुरू से ही बिगड़ैल रही है, वो कुछ भी करने से पहले अंजाम के बारे में सोचती नहीं है, बिल्कुल अपने बाऊजी जैसा। पर सच कहें तो वो लड़का, उसका दिल साफ है, दुर्गा खातिर सच्चा प्यार उसकी आंखों में दिखता है। उसके साथ जो कल होने वाला है उसके लिए ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। अपना पति तो हमने खो दिया बिटिया, पर बिटिया ना ही खोने देना चाहते हैं। ईश्वर ने यहाँ औरतों को सुना ही कब है, यहाँ सिर्फ ईश्वर ही है। गुज्जर सिंह आए, हमार शेर सब लौट आए, हमार बिटवा विजय हुआ, क्या बात है। तभी हम देखते हैं कि वो बिजली और वो सब लोग घर में आ जाते हैं और वो उसका पैर छूकर बोलता है, दीर्घायु भव पुत्र। और यहाँ पर वो नाचना शुरू करती है और जैसे ही वो नाचती है वो सब लोग उसके नाचने के अंदाज पर फिदा हो जाते हैं। बाबा बिजलिया तो एकदम से बहल, अरे भैया बदल गई है रे। हाँ हाँ, हद से ज्यादा, ऐसी तो कभी नहीं थी ई, का खेला है कि भैया ई अपने साथ। अरे भैया कमाल है, अरे जान ले लूंगे का, अरे भैया गर्दा होगा ना गर्दा, अरे कंटाप जिला टाप, ओहो जिये रानी वहां जैसे कि सब लोगों के अंदर एक अलग ही। तभी हम देखते हैं, एक बोलता है, अरे रोनी भैया आप ही के पास जा रही है ससुरी, छील दीजिए संतरा। ज्योति, कौन? हमार बीवी। अरे नहीं, ज्योति देख लेगी तो बोर आ जाएगी। उफ, तुम्हारी ये नशीली आंखें। रुको, वाह, चाप दीजिए भैया जी तो आज। अरे भैया जी जल्दी निपटाएं तो हमारा नंबर आए। वाह क्या सीन है। वहां पर सब लोग जो है उसको देखकर बहुत मजे ले रहे थे। अरे साली कर का रही है तू। तभी हम देखते हैं कि उसने उसकी आंख को खा गई और उसके बाद उसको अंधा कर दिया। इका हुआ बे, पगला गई है का साली, हटाओ उसको भैया के ऊपर से, पकड़ो साली छिनाल को। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ना जाने इतने सारे बेताल वहां पर आकर हमला कर देते हैं। अब इका, अरे हरामजादी, हाथों मरेगी आज तू, मरेगी। तभी हम देखते हैं कि वो पिशाच उसके गर्दन के धड़ से अलग कर देती है और उसको वहीं मौत के घाट उतार देती है। दावत उड़ाओ गुलामों, दावत उड़ाओ। उस पिशाचनी ने वहां पर भी हाहाकार मचा दिया। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो बाबा वहां पहुंचता है और उन सबको देखते ही वो बोलता है, ये सब का हो रहा है, रानी बंटी लकी टिंगू, अरे ये सब का है, कहां गए हमार बच्चा सब। हे प्रभु, हे भगवान, कोई कुछ बोलता काहे नहीं, यहाँ कोई भगवान प्रभु नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो
अपने हाथ से तलवार निकालता है और सबको मारना शुरू करता है। और पीछे से वो पिशाचनी आती है और उसको तरफ हमला कर देती है। और अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कैसे हमला इतना ज्यादा हो गया कि सबको, किसी की आंखें निकल रही हैं तो किसी का मुंह तोड़ा जा रहा है। अब कहानी आगे चलती रहेगी, अभी के लिए हम यहीं पर इस कहानी को सौंप देते हैं आपके तरफ। आगे कहानी ऐसे चलती रहेगी। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए। जय हिंद।